हाँ, तो आज अपने स्टार्ट करेंगे अभी 10.2, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। लेकिन उससे पहले मैंने आपको कहा था कुछ बेसिक बातें बताऊंगा, उसके जाने बिना अपन 10.2 कर नहीं सकते, और करेंगे तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चीज़ें अपन लिख रहे हैं ये सब फॉर्मूले हैं, एक तरीके से हमारे हर सोल्यूशन में काम आएंगे, और ये एग्जाम में डेफिनेशन भी 1 मार्क्स में आ सकती है, इसलिए आप इसको ज़रूर नोट कर लेना, ठीक है? अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ये फर्स्ट है मीडियन। मीडियन किसे कहते हैं? तो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ एनी ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन। यानी कि त्रिभुज का कोई भी वर्टेक्स का, मतलब जैसे मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग बताऊँ, इस फर्स्ट पॉइंट को बताता हूँ कि जैसे एक ट्राइंगल है, त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। यानी कि जो लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द वर्टेक्स, जो तीनों वर्टेक्स, ये तीन वर्टेक्स होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं इसके, तीनों शीर्ष को मिलाने पर, सपोज मैंने इसको मिलाया, इसको इसकी अदर साइड है, अपोजिट साइड इसका मतलब इसके सामने वाली साइड ये है, उसके बिल्कुल बीचों बीच यानी कि मिड पॉइंट, उसके मिड पॉइंट पर जो खींची जाती है वो क्या होती है? माध्यिका, मीडियन होती है। यहाँ से खींचते हो तो ये भी मीडियन हो गई, माध्यिका होती है, यहाँ से खींचते हो तो भी मीडियन होती है, यानी ठीक है, ये तीन माध्यिका एक ट्राइंगल के अंदर हो सकती है, ये अपन ने खींच दिया, तो ये उससे माध्यिका कहते हैं। जानना बहुत ज़रूरी है, ध्यान ये रखना कि शीर्ष से उसके सामने वाली साइड के बिल्कुल बीचों बीच खींची जाती है, इसका मतलब ये और ये बराबर होता है, ये और ये बराबर है, जैसे ये और ये बराबर है, ये सिस्टम समझ लेना, ठीक है? दूसरा होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, यानी कि द परपेंडिकुलर ड्रोन एट मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन। यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको दो नामों से, भुजाओं के लंबवर्धक या फिर लंब समद्विभाजक। त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु, यानी कि जैसे कोई ट्राइंगल है उसके मिड पॉइंट, कोई सा भी जैसे मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब, यानी परपेंडिकुलर उसका लंबवर्धक या लंब समद्विभाजक है, इसका मतलब ये होता है जैसे मैं यहाँ से कोई लंबवर्धक खींचता हूँ, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट खींचता हूँ, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है? यानी कि इस परपेंडिकुलर का मतलब, यानी कि हिंदी वाले बच्चों के लिए लंब का मतलब ही 90 डिग्री होता है। तो ये मैं 90 डिग्री का जैसे ये लाइन खींची, तो ये इस साइड को इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो है ही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको जैसे त्रिभुज ABC नाम दूँ, ठीक है, और ये M नाम दूँ, तो इसका मतलब है BM बराबर CM, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों टुकड़े हमेशा बराबर होते हैं जब किसी भी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर खींचा जाता है। बहुत काम आएगा ये, ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन करेंगे ना अपन आगे तो काम आएगा कि अपन कोई लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं तो उसको मिड दो बराबर भागों में तोड़ती काटती है, मान लो, ठीक है? यानी कि लंब अर्धक कहलाता है, लंब अर्धक, ठीक है, आधा कर देता है, ये भी ध्यान रखना, +90, ये 2 पॉइंट हो गए। ऐसे ही थर्ड डेफिनेशन देखो, ये डेफिनेशन मेरे साथ साथ नोट करते रहना आप, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंगल बाई सेक्टर्स, द लाइन सेगमेंट विच डिवाइड्स एनी एंगल ऑफ ट्राइंगल इंटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड एंगल बाई सेक्टर ऑफ दैट एंगल। यानी कि त्रिभुज के किसी कोण के अगर दो इक्वल पार्ट करते अपन, कोई दो समान भाग करने वाले रेखाखंड को कोण समद्विभाजक कहते हैं। कहने का मतलब डायग्राम के अकॉर्डिंग समझो, जैसे मैं इसका डायग्राम बनाऊँ, ऐसा कोई ट्राइंगल हो, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल हो, उसके दो समान भाग कर दो, यानी दो इक्वल पार्ट्स कर दो, सपोज ये कर दिया, यहाँ जो एंगल था तो ये एंगल बाई सेक्टर हो, दो बराबर टुकड़े हो गए इसके, ठीक है? और उस रेखाखंड, जैसे ये जो रेखाखंड है ना, ये जो रेखाखंड हुआ, ये इसका एंगल बाई सेक्टर कहलाता है, क्योंकि इसको खींचने की वजह से ये एंगल आधे आधे हो गए। कहने का मतलब अगर यहाँ पर 60 डिग्री था तो ये भी 30 और ये भी 30 हो गया इस एंगल बाई सेक्टर और लाइन की वजह से, ठीक है? ये है फर्स्ट। ऐसे सेकेंड पार्ट देखो, अल्टीट्यूड द लाइन सेगमेंट विच इज ऑब्टेंड बाई परपेंडिकुलर ड्रॉन। ये अपने सिर्फ लाइन खींची है, 90 डिग्री नहीं खींचा है, परपेंडिकुलर नहीं खींचा, लेकिन इसमें वो यूँ कहना चाह रहा है कि वह रेखाखंड जो किसी ट्राइंगल के, जैसे ट्राइंगल है, त्रिभुज है, उसके परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, उसके जो शीर्ष होता है, वर्टेक्स का मतलब ये वर्टेक्स, ये शीर्ष, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, यानी कि जैसे ये ट्राइंगल है, इसका ये वर्टेक्स है, इसे इसके सामने वाली भुजा पर, ये इसके सामने वाली भुजा पर अगर परपेंडिकुलर खींच दूँ मैं, 90 डिग्री खींच दूँ, तो उससे त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसका शीर्ष लंब, शीर्ष लंब का मतलब अल्टीट्यूड। ध्यान रखना, ये जो ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, यहाँ से इसके सामने वाले पर खींचा तो ये इसका वर्टेक्स शीर्ष लंब हो गया, इसके वर्टेक्स यहाँ खींचा गया, शीर्ष लंब का मतलब अल्टीट्यूड। ऐसे यहाँ खींचा तो ये इसका अल्टीट्यूड हो गया, मतलब किसी भी ट्राइंगल में जो उसके वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स का मतलब ये शीर्ष, वहाँ से उसके सामने वाले भुजा पर खींचा गया जो लाइन लाइन सेगमेंट है, वो उसका अल्टीट्यूड यानी कि शीर्ष लंब के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ज़रूरी है, अपने हर सोल्यूशन में काम आएगा। यह था पॉइंट नंबर 4। ऐसे पॉइंट नंबर 5 देखो, सरकम सेंटर, यानी कि द पॉइंट ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द 3 साइड्स। जैसे मैं बात करूँ मैं इसकी, कि ये कोई ट्राइंगल है,
बहुत जरूरी है, सारी डेफिनेशन नोट कर लेना और टोटल डेफिनेशन लर्न करना, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है डेफिनेशन भी ना। तो इसने कहा कि त्रिभुज की भुजाओं के, ये तीनों भुजाएं थ्री साइड्स के लंब समद्विबाजनों का संगमन बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। इनकी बाइसेक्ट ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड सरकम सेंटर ट्राइंगल। इसकी मैं बात करूँ कि वो पॉइंट जो तीनों का बाइसेक्टर हो, जैसे इधर से अपन अगर भेजें, इधर से भेजें, इधर से, तीनों का जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सरकम सेंटर या फिर परिकेंद्र। समझ पा रहे हो? ये तो है लंब समद्विभाजक, मतलब ऐसे लाइन है जो खींचते हैं अपन, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग बता सकते हो, ओ नाम दे देना सपोज देना चाहो तो। तो इसमें जो अपना सरकम सेंटर पॉइंट होगा कौन सा होगा, सरकम सेंटर पॉइंट हो गया ओ, जहाँ पर तीनों लंब समद्विभाजक ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में आके मिलते हैं वो। ठीक है, डेफिनेशन याद होगी साथ साथ। बात करूँ इसकी ऑर्थो सेंटर की, यानी कि लंब केंद्र की, तो सेम है द कंसर्न पॉइंट ऑफ ऑल द अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। अल्टीट्यूड का मतलब जो 90 डिग्री हो लंब केंद्र ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर, यानी त्रिभुज के, ये त्रिभुज है ठीक है, वही नाम दे दो, ए बी सी ट्राइंगल बना लेते हैं। त्रिभुज के शीर्ष लंबों का संगमन पॉइंट, यानी कि इसमें लाइन, इसमें तो सिर्फ एंगल नहीं थे, सिर्फ बाइसेक्टर थे, इसमें 90 डिग्री अल्टीट्यूड, जैसे यहाँ 1 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ये अल्टीट्यूड होता है इनका जो संगमन पॉइंट होगा। ये आप ये मत सोचें दोनों बहुत फर्क है, ये तो सिर्फ एंगल बाई सेक्टर है, मतलब जैसे यहाँ अगर 60 डिग्री होता तो उसका आधा आधा कर रहा है ये, लेकिन ये 90 डिग्री जो अपने अल्टीट्यूड खींचे थे, शीर्षलंब खींचे थे, उनका संगमन पॉइंट लंब केंद्र कहलाता है। लंब का मतलब लंब का जो पॉइंट, लंब का मतलब 90 डिग्री, लंब का मतलब 90 डिग्री, ऑर्थो सेंटर ठीक है, वो क्या कहलाता है जो शीर्षलंब अल्टीट्यूड का मीटिंग पॉइंट हो। ठीक है, ओके, ये तो नंबर 5 के डायग्राम बना सकते हो आप, ये 6 नंबर में डायग्राम बना सकते हो, और 7 नंबर के अंदर डायग्राम देखो, 7 में द बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स मीट एट पॉइंट, दिस पॉइंट इज इंटरसेक्शन इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों, तीनों मतलब जैसे ये को ट्राइंगल, इसकी ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों के समद्विभाजकों के संगमन पॉइंट, इसके अंदर सीधा, इसमें कोई गारंटी नहीं है एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, जैसे ये हैं तो यहाँ जैसे ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, इसका बाइसेक्ट कर दिया सपोज ये 45 90 का था, सपोज 45 45 हो गया, ये सपोज जितना भी डिग्री ऐसे मान के चल लेना, जैसे ये 45 है, ऐसा मान लो ये 80 डिग्री था तो ये 40 40 हो गया, ये 70 था तो ये 35 35 हो गया, ठीक है, 70, ये 30 तो ये 15 15 हो गया। तो ये कोई गारंटी नहीं है कितने भी डिग्री के एंगल हो, इनमें तो 90 के होंगे, इनमें ये लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, लेकिन इसमें कितने भी डिग्री हो सकते हैं। तो जो तीनों कोण है, परिभाषा समझो अच्छे से, कि त्रिभुज के तीनों कोणों, तीनों एंगल का जो समद्विभाजक होते हैं, समद्विभाजक का मतलब एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब ओ होगा तो आंसर तीनों में ओ, लेकिन डायग्राम थोड़े डिफरेंट डिफरेंट अपन को बनाने हैं। तो ये 7 जो डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7वीं डेफिनेशन को आप नोट कर लियो गए, इनको लर्न करना और एक 1 मार्क्स के अंदर ही आ सकते हैं। दूसरी बात, 10.2 जब स्टार्ट करेंगे तो ये सारी डेफिनेशन है एक फॉर्मूले की तरह हमारी यूज होगी, इसलिए बहुत जरूरी लर्न करना। ठीक है, अब तीन, ये नॉट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के तीनों नॉट क्या फॉर्मूले हैं आपके, एज दट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये थ्योरम है, ये प्रमेय मैं कराऊंगा आपको जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट ये करा दूंगा, लेकिन ये तीनों सूत्र हैं, फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे, वरना 10.2 बिल्कुल नहीं आएगी, उनके लिए जरूरी है। जैसे कि हर क्वेश्चन का सोल्यूशन में तीनों बातें यूज होगी, पहली बात क्या है नोट नंबर फर्स्ट, और ध्यान रखना मैं नोट नंबर फर्स्ट, नोट नंबर सेकंड, नोट नंबर थर्ड ऐसा ही कहूंगा जब अपन सॉल्यूशन करेंगे, तो याद रखना मैं क्या बात कह रहा हूँ। ठीक है ना, तो नोट नंबर फर्स्ट है कि त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, ध्यान रख रहे हो कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू लाइन्स ऑफ ट्राइंगल, यानी कि सपोज ये कोई ट्राइंगल है, इसकी दो भुजाएं कोई सी भी ले लो, सपोज ये वाली ये ले ली, इनका ये मिड पॉइंट है, त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु यानी टू लाइंस के मिड पॉइंट को मिलाने वाली, को मिलाने वाली रेखा, जो मिलाने वाली जो लाइन है वो इसकी थर्ड साइड के, ये दोनों ले चुके थे, इसकी थर्ड साइड के पैरेलल, पैरेलल का मतलब समांतर, ये आपस में समांतर है, पैरेलल वह आधी होती है, पैरेलल एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड, मतलब ये हुआ कि अगर ये 4 सेंटीमीटर, 4 हैं तो ये 2 हैं, ये मान लो आप, मतलब ये 1 है तो ये आधी है, समझ पा रहे हो, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल होगी प्लस इससे ये आधी होगी, ये आधी होगी तो इसकी दुगनी होगी, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, थ्योरम एक तरीके से अपने क्वेश्चन सॉल्यूशन में काम आएगी, समझ पा रहे हो। ठीक है, दूसरी बात,
त्रिभुज का केंद्रक, जैसे यह ट्राइंगल है, ये इसका केंद्रक है। केंद्रक उसकी माध्यिका को, माध्यिका मतलब मीडियन, यानी कि जो सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल डिवाइड्स इट्स मीडियन इन रेशियो 2:1। त्रिभुज का केंद्रक यानी कि सेंट्रोइड, उसकी माध्यिका यानी मीडियन, ये माध्यिका, ये मीडियन होती है ना, ये 2:1 में डिवाइड करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये अपनी, और हर 10.2 तो लगभग इसी थ्योरम से होगी, इसी 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 फॉर्मूले से होगी। अब बात ये है कि 2:1 कैसे, कि जो भी सेंटर जो वर्टेक्स होगा वहाँ से तो दो और यहाँ एक, ध्यान रखना वर्टेक्स से खींची जाती है, तो ये दो ये एक, यानी कि शीर्ष, ये शीर्ष है ना, शीर्ष वर्टेक्स, इसका ध्यान रखना, यहाँ से तो दो और यहाँ एक, मतलब ये बहुत ज़रूरी है। 2:1 का मतलब आप ये सोचोगे 1 ऊपर 2 नीचे, ऐसा नहीं, शीर्ष से यहाँ से स्टार्ट होगी तो ये तो दो और इसके नीचे वाली एक, ये इसके शीर्ष से स्टार्ट होगी मीडियन माध्यिका, तो ये दो और ये एक, इसकी मीडियन ये माध्यिका ये, तो ये दो और ये एक, ध्यान रखना। वर्टेक्स से खींचने, जो वर्टेक्स के पास वाला होगा वो दो होगा आगे वाला एक, वर्टेक्स के पास वाला दो आगे वाला एक, 2:1, वेरी इंपॉर्टेंट है थ्योरम, पूरी 10.2 इस पर डिपेंड करता है, एक्सरसाइज करती है। तीसरा पॉइंट है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाएं, ये तो खैर डायग्राम की जरूरत भी नहीं है, जैसे ये कोई ट्राइंगल है इसकी कोई भी दो भुजाएं ले लो, किन्हीं दो भुजाओं का सम, सपोज मैंने कहा कि ए बी, ए बी प्लस ए सी, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, यानी कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज मोर देन थर्ड साइड, तीसरी भुजा से अधिक होता है, मतलब कि तीसरी भुजा बी सी, ये इन दोनों भुजाओं का योग है ना वो अधिक होता है तीसरी से, तीसरी का मतलब बी सी से, ये फिक्स है, कोई भी दो साइड होगी, ट्राइंगल बनता ही तभी है जब किन्हीं दो साइड का सम थर्ड से ज़्यादा हो, तभी ट्राइंगल बनना पॉसिबल है। ये तीनों बातें तो हद नहीं इतनी इंपॉर्टेंट है, और जो 7 पॉइंट में लिखवाए थे वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा ये हैं, तो ये 7 और 3 10, ये आपको डेफिनेशन अच्छे से लर्न करनी है, ठीक है, बहुत काम आएगी। ओके, तो 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन अपन 10.1 में भी कर चुके हैं, वैसा ही कुछ है, हालांकि जो मैंने अभी डेफिनेशन बताई थी आपको, ऑर्थो सेंटर इन सब, मतलब लंब केंद्र, अंत केंद्र, इन सेंटर, ये सारी बातें इसके अंदर है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप उतार लेना, मैं पहले समझा देता हूँ थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में दो बातें पूछी उसने, कि फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 3 वर्टिसेस, एक बात तो यहाँ तक ये पूरी एक बात है, यानी कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, और दूसरा फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट पॉइंटेड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ और तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, दो बातें। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट देखते हैं इसका, जो पहला सॉल्यूशन है ना वो समझो, कहने का मतलब ये है कि सपोज ये कोई एक ट्राइंगल, ये कह रहा है कि कोई त्रिभुज के तीनों शीर्ष, तीनों शीर्ष का मतलब तीनों वर्टिसेस, एक तो ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, तीनों से कोई एक पॉइंट है, कोई समदूरस्थ बिंदु है, इक्वी डिस्टेंस, सपोज अपने नाम ले दिया उसका ओ, ये ओ नाम है इसका, ये ओ नाम दे दिया, इसका लोकस क्या होगा, इसका लोकस पूछ रहा है, मतलब इसका क्या पूछ रहा है, बिंदुपथ पूछ रहा है, बड़ा इजी है, जो पहले सोल्यूशन किया था अपन ने वही इसका कर देंगे अपने, सपोज ये ओ इक्वी डिस्टेंस है, ए बी सी नाम दे सकते हैं, ठीक है, और अगर अपन चाहें इसके चारों एक सर्कल बना दें, समझना आप है ना, तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। तो ये जो इक्वी डिस्टेंस है, जो अब मेरी बात बताओ, अपन ने क्या लिखा कि जो पॉइंट ए है, ये जो ओ है ना वो ए से व बी से इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि बिंदु ओ ए व बी से समदूरस्थ है, समदूरस्थ इसका मतलब ये जो ओ है वो ए और बी पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब होता है ये इसके ऊपर लंब है, ये बात मैं 10.1 में आपको बता चुका कि जब कोई ओ पॉइंट से समदूरस्थ होते हैं तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी होते हैं, दूसरी बात मतलब लंब भी होते हैं, ऐसे ही यही ओ ए व सी पर भी है, ए और सी पर भी है, इसका मतलब ये ए और सी पर भी परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, इसका मतलब ओ ए ए बी ओ ए बी का भी लंब है परपेंडिकुलर है, और ओ ए सी का भी परपेंडिकुलर लंब है, इसका मतलब, और दूसरी बात ओ इसका मतलब इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है भाई, इस इससे भी और इससे तीनों से बराबर दूरी पर है, इसका मतलब ये इस एक तरीके से सर्कल का सेंटर पॉइंट हो गया, केंद्र हो गया, तो इस तरीके से जो ओ है इसको अपन परिकेंद्र भी बोल सकते हैं, परिकेंद्र को हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं सर्कम सेंटर, क्योंकि ये बिल्कुल इससे बराबर डिस्टेंस पर, अभी बता क्या था मैंने सरकम सेंटर क्या होता है, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर का मतलब क्या होता है, परिकेंद्र। तो इतनी बातें जो मैंने बताई वो मैं आपको सोल्यूशन उतार देता हूँ, वो सोल्यूशन आप उतार लेना, खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने जो बात बताई वही बात है।
ठीक है। तो ये थ्योरी आप उतार सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बता दूँ जो जो अपन ने किया था वही सॉरी बात है। लैटिन ट्राइंगल ए बी सी, ओ इज़ ए मूविंग पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम थ्री वर्टिसेस ए बी एंड सी, यानी कि माना त्रिभुज ए बी सी में ओ एक गतिमान बिंदु है जो तीनों शीर्ष ए ओ बी समदुरुस्त है, बिल्कुल बराबर बराबर डिस्टेंस पर, अपने पहले ही बता दिया था मैंने आपको। फिर इंग्लिश में, फिर हिंदी, पहले इंग्लिश फिर हिंदी, इंग्लिश हिंदी ऐसा है ठीक है। फिर ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, इट मीन्स ओ इज परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ ए बी, यानी कि ओ ए और बी से बराबर दूरी पर, इसलिए ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ओ ए और बी समदुरुस्त है, इसका ये ओ ए बी का लंबांतर अर्धक है। अगेन ओ इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी, इट मीन्स ओ इज परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ ए सी, ए सी को परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है ये, पुनः ओ ए और सी समदुरुस्त है अर्थात ओ ए सी का लंबार्धक है। जैसे देखो यहाँ पर अपन ने दिखाया कि ओ ए बी का लंबार्धक है, यहाँ अपन ने दिखाया ओ ए सी का लंबार्धक। आपको याद है मैंने आपको जब 10.1 कराई थी इक्वेशन बना के, तो ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड भी लिख सकते हैं, लेकिन वैसे जरूरत नहीं है ज़्यादा। सो ओ इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाई सेक्टर्स ऑफ ए बी एंड ए सी, इसके साथ ही ओ ए बी व ए सी के लंबार्धक का प्रतिच्छेद बिंदु है। भाई ये यहाँ पर ये दोनों परपेंडिकुलर थे, बाई सेक्टर थे, और ये इसका प्रतिच्छेद भी कर रहा है, देख लो भाई कि ये जा रहा है ये जा रहा है, यहाँ आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं ओ पर, ओ प्रतिच्छेद बिंदु भी हैं ठीक है। इट मीन्स दस ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल, इसका मतलब अर्थ अतः ओ दिए गए तीनों शीर्ष से जाने वाले वृत्त का केंद्र है, देख लो भाई तीनों वर्टिसेस से जाने वाला केंद्र हो गया, इधर से सब एक इसी से निकल के जा रहे हैं, इसका मतलब ये वृत्त त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाता है, इसे हम वृत्त का परिकेंद्र कहते हैं। मैंने अभी डेफिनेशन लिखवाई थी आपको वो की वो, दिस सर्कल पासेस थ्रू थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एंड वी कॉल इट सर्कम सेंटर ऑफ सर्कल, ये मैंने कहा था। तो इस फर्स्ट पोर्शन का आंसर क्या हो गया, सर्कम सेंटर ऑफ सर्कल। अगर ऑप्शन में आता है तो आंसर इतना सा होता है सर्कम सर्कल, सर्कम सेंटर ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त का परिकेंद्र, सर्कम सेंटर ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त का परिकेंद्र इसका आंसर होता है। ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड पार्ट और देख लेते हैं। ऐसे ही सेकंड पार्ट है, तीनों भुजाओं से समदुरुस्त बिंदु, तीनों साइड्स हैं, जैसे ये साइड है इस, ये ओ मान लेते हैं अपन, इस साइड से ये समदुरुस्त है, यानी इक्वी डिस्टेंस है, इसे ये इक्वी डिस्टेंस है, इसे इक्वी डिस्टेंस, पॉइंट वो वही है, बस डायग्राम आपको ऐसा बनाना है। अब इसका मतलब क्या है, सेम वही थ्योरी, बिल्कुल डिटो वही थ्योरी, इसलिए मैंने बार बार चेंज नहीं किया कि लेट ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पाथ पी क्यू एंड आर साइड्स बी सी, यानी जो ओ है वो पी क्यू और आर जो तीनों भुजाएं हैं, एक बार इंग्लिश एक साथ है फिर हिंदी है, कि माना त्रिभुज ए बी सी की तीनों भुजाएं ए बी ए सी और सी ए के बिंदु पी और क्यू, पी क्यू और आर समान दूरी पर स्थित बिंदु है, वो ओ है, अतः ओ इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू, अतः ओ पी और क्यू सम, इसके बाद तो सेम ही है, ओ पी और क्यू से समदुरुस्त है अर्थात ओ पी क्यू का लंबार्धक है, यानी कि इट मीन्स ओ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। अगेन ओ इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर, पी एंड आर इट मीन्स ओ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी आर। सो और दूसरी बात हिंदी वाले भी समझ लेना, पुणे का है, पुणे ओ पी और क्यू आर समदुरुस्त है, इसका मतलब ओ पी आर का लंबार्धक है, यहाँ ओ पी क्यू का लंबार्धक था, यहाँ ओ पी आर का लंबार्धक है, इसका मतलब ओ पी क्यू और पी आर का प्रतिच्छेद बिंदु भी है, देख लो बोले पी क्यू ओ एन ओ वो आपका पी आर और पी क्यू से है, पी आर यह देखो पी आर ये और ये पी क्यू इनसे बिल्कुल लंबार्धक है, यानी परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, और प्रतिच्छेद बिंदु भी है, ये यहाँ पर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इसका मतलब इसका सेंटर है, सेम वही थ्योरी जो फर्स्ट पार्ट में गई, केंद्र है, ये सब लिखने के बाद में अतः वो दिए गए तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाला वृत्त का केंद्र है, सेंटर है। और जो मैंने आपको ये डेफिनेशन लिखवाई थी, जो सेंटर केंद्र को स्पर्श करता हो, इसका मतलब टच करता हो, वो क्या कहलाता है, उसका इन सेंटर, इन सेंटर का मतलब अंत केंद्र। तो देखो फर्स्ट जो पार्ट किया था अपने, ये लाइन नहीं लिखी थी, उसमें लिख देना आप हैंस रिक्वायर्ड लोकस इज, उसमें तो था हैंस रिक्वायर्ड लोकस इज सर्कम सेंटर, ये तो फर्स्ट पार्ट की लाइन थी, इसमें हैंस रिक्वायर्ड लोकस इन सेंटर ऑफ सर्कल, उसमें सर एक वन मार्क्स में अगर क्वेश्चन आए ना ये, तो आपको इस पर टिक करना है, इन सेंटर ऑफ सर्कल यानी कि अतः अभिष्ट बिंदु पथ वृत्त का अंत केंद्र होगा, अंत केंद्र पर टिक करना, ऑप्शन वाला आए तो जिसमें वन मार्क्स का क्वेश्चन, उसमें इतना सा लिख सकते हो, उसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बना दो और ये लाइन लिख दो बस आंसर। लेकिन अभी मैंने पूरी थ्योरी लिखी है आपके लिए, काम आएगी ये, जरूरी समझना, हिंदी वाले लिख देना उसका अंत केंद्र होगा। तो ये इतनी सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें 10.2 पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी ठीक है। तो जब तक ये लर्न करके रखना, ओके।